डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तर काशी में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तर काशी में। काशी विश्वनाथ की ये नगरी बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तर काशी में। पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को पानी। नमस्कार पायलाग प्रणाम। मैं नीरज कंडूड़ी देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत गांव गडोली के टिपरा के सिरे से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों और साथियों। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होगी, हम आज बीज उपाड़ रहे हैं, ऊपर पे भी बीज उपाड़ रहे हैं, सीरा के हैं ये तो। यहाँ पर गडोली के भी क्यार्क हैं, धान के क्यार्क, और भाई लोगों की रोपाई चल रही है पीछे आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको हमारे, इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा दोस्तों गाड़ा की रोपाई वाली वीडियो में वहाँ कैसे रोपाई होती है, और इधर किस किस की रोपाई है आज और कैसे कैसे रोपते हैं यहाँ वो दिखाऊंगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं साथियों, मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते ही रहूंगा। तो मिलते हैं आगे फिर वीडियो में। और साथियों ये है पिपरा के सेरे के रोपाई का कार्यक्रम चल रहा है, इधर आप देख सकते हैं। क्या बोले? मेरे उत्तर काशी में मेड़ो पाको बारमासा। तो दोस्तों ये चल रहा है यहाँ पर रोपाई, ये देख सकते हैं आप क्या चीज है सबसे लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में। अब बाजूबंद के लिए बोलता हूँ इनको, अगर ये साथ देंगे चला गया तो बार बार मार काशी में। गंगोत्री धाम में गंगा मैया तुझको बुलाए रे मेरे उत्तर काशी में। पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी। तो साथियों आजकल रोपाई चल रही है तो रोपाई दिखा सकता हूँ आपको, है ना, आप लोग रोपाई का ही ब्लॉग देखेंगे आजकल, क्योंकि रोपाई का ही समय चल रहा है मेरे पास पहाड़ों में। जब कुछ और लाइफ स्टाइल होगी तो वो भी दिखाऊंगा आपको। तो मैं दिखाता हूँ आपको नहर टिपरा की सेरा वाली, ये है यहाँ की नहर उत्तर काशी में। मेरे उत्तर काशी ये चल रहा है रोपाई का कार्यक्रम मेरे प्यारे काशी। और ये देखो दोस्तों इतना बीज उपाड़ दिया हमने आज, अभी नीचे वाला भी उपाड़ना है। इस लड़की को देखो जरा,
तो साथियों, दिन के बज चुके हैं 2:40, अब हो चुका है लंच करने का टाइम। तो आपको दिखाता हूँ खेतों में किस प्रकार लंच होता है हमारा जब रोपाई का कार्यक्रम चलता है। तो हमारा यहाँ पर टिपरा की सिरवारी जब रोपनी होती है तो यहाँ पर पत्थर है एक बड़ा सा, उसके ऊपर हम लंच करते। तो मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन है लंच करने वाली। पीछे चाची जी हैं हमारे आज के रसोईया साहब, और ये चाची जी, और ये आने खाने वाले आने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये आ रहे हैं उधर से। सब ओके। ये हमारा डोंगा स्टैंड। ये खुल रहा है लंच का पिटारा, आप देख सकते हैं यहाँ भी खुल गया। ये देखो रोपनी की रौनक का, आपको आनंद ज्यादा आता रखो आज भाई जी। लिया ये देखिए रोपनी की खान पान, भाई साहब मुंडा रोवाण होया बुक मत क्या हो। पहली मेहमान जी चमो नहीं दिया ये मुझे मिल चुका है। देखो दोस्तों सब्जी, ये चटनी चुल्लू की, चढ़ देगी खा लो खाओ। मेरा लंच तो हो चुका है। तो साथियों अब मैं जा रहा हूँ पानी को भरने, सिलवाणी का पानी इन बोतलों में लाऊंगा भर के, इकट्ठे में रखे हुए मैंने। तो मैं दिखाता हूँ आपको सिलवाणी का पानी किसे बोलते हैं हमारे यहाँ। तो साथियों ये है हमारा पुजार गांव वाला पुल, और यहाँ है इधर साइड है पुजार गांव वाली छाने, और ये है हमारी गार्ड ऊपर से आ रही है, और यहीं पर है नीचे पे पानी। तो मैं दिखाता हूँ आपको, और भाभी जी लोग यहाँ पर बीज उखेड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और साथियों ये है गार्ड, और यहीं पर है बगल में सिलवाणी का पानी। तो साथियों ये जो पानी होता है ये बहुत गहरे डीप वेल से आता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो गहरे आर्टिशियन वेल वगैरह जो रहते हैं पाताल दौड़ कुएँ उससे आता है, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है दोस्तों। कम से कम इसका टेम्परेचर अभी 0 degrees होगा दोस्तों, 0 या 1, 2, 3, 4 तक। तो बहुत ठंडा होता है पीने के लिए बहुत।
100% मिनरल वाटर होता है और पीने के लिए काफ़ी लाभकारी है दोस्तों ये पानी, तो इसे पीते हैं हम जब रोपाई के लिए आते हैं। डाली डाली फूलों की ये तीनों बोतल भर दी है मैंने पानी से, तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको कितना ठंडा है ये पानी। अब मैं देखो इसमें जैसे रेफ्रिजरेटर से निकाल देना दोस्तों बोतल, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों इतना ठंडा पानी है ये देखिए इतनी वेपर बन जाती है इसका। तो साथियों समाप्त करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आपने देखा आज की रोपाई की सेरेमनी थी भाई लोगों की, कल वाली हमारी होगी। और साथियों थोड़ा हेडेक भी हो रहा है तो इसलिए ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया आपको आज के दिन, कल ज़रूर दिखाऊंगा साथियों, कल तो मैं इनको ज़रूर बोलूंगा बाजूबंद लगाने के लिए, आज तो मैंने ज़्यादा मशक्कत भी नहीं करी है। मिलते हैं आपको कल रोपाई वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, बाय बाय। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।